इसमें 98% वाटर होता है। मैंगो, लीची, पाइनएप्पल, पपाया वेट लॉस प्रोसेस में आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। शायद इसीलिए थोड़ा सा छोटू मोटू सा हाइट है। लीफी वेजिटेबल्स का कितना फायदा होता है। बेस्ट वे ऑफ एनर्जी बूस्टर है, पे लगा सकते हो, हेयर पे लगा सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हेल्दी डाइट फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर आवर फिजिकल हेल्थ। सबके लिए एक हेल्दी प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट फॉलो करना ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबके माइंड में ऐसे आता है कि एक्चुअली लोग समझ नहीं पाते कि एक हेल्दी डाइट होता क्या है, हमें क्या क्या खाना चाहिए। मैं उसी के बारे में ही आज बात करने वाली हूँ। स्पेशली इन समर हमें क्या क्या ऐसे फूड्स है जो खाने से हमें प्रॉपर बॉडी में न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, फैट्स, मिनरल्स, विटामिंस, ये सब हेल्थ के लिए हमें नेसेसरी है डेली टू डेली बेसिस पे खाना। सबसे इम्पोर्टेंट जो फूड है जो मैं हमेशा से खाती आई हूँ बचपन से, जो है लीफी वेजिटेबल्स। बचपन में हालांकि वो बात अलग है कि हमें खाना पसंद बिल्कुल भी नहीं था, पर मम्मी जैसे भी हो हमें खिला ही देती थी। और अभी बड़े होने के बाद हमें पता चला कि लीफी वेजिटेबल्स का कितना फायदा होता है। तो लीफी वेजिटेबल्स में सबसे इम्पोर्टेंट नंबर वन पे आता है पालक और कोई भी साग जो आप घर पे खाते हो। इसमें फाइबर्स, विटामिंस, मिनरल्स, ये सब भर भर के होता है। आपके बॉडी में जो आयरन का डिफिशियंसी होता है ना, ये अगर आप लीफी वेजिटेबल्स खाओगे तो इससे ये डिक्रीज होता है आयरन डिफिशियंसी। आपका आई हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और आपका इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे फूड के बारे में जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, जो कि है स्वीट पोटैटो। यस गाइस, स्वीट पोटैटो में कार्ब्स होता है जो कि हेल्दी कार्ब्स होता है, फैट्स होता है, फाइबर्स होता है, प्रोटीन होता है, तो भर भर के आपको सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और इसमें एक ऐसा चीज है जिसे बोलते हैं कैरोटेनॉइड्स, जो कि आपके कैंसर होने के चांसेस को भी डिक्रीज करता है, आपके हार्ट डिजीज को, आप जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसको भी लो करता है आपके बॉडी में। तो ये एक सुपर फूड है गाइज। आप स्नैक्स के वे में, आप इसको मिल्क के वे में, या इसको बॉयल करके, मैं सिंपली जैसे खाती हूँ ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में इसको दही के साथ, थोड़ा सा यू नो सॉल्ट पेपर के साथ, आप इसी वे में भी खा सकते हो। यू मस्ट इंक्लूड दिस फूड इन योर डाइट। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी, जो घर घर की कहानी है, मतलब जिसे हम बोलते हैं पल्सेस, दाल, राजमा, मूंग दाल, अरहर दाल, जो भी ले लो आप, पल्सेस आइटम जो भी है ना, मैं बचपन में बिल्कुल खाती नहीं थी। शायद इसीलिए थोड़ा सा छोटू मोटू सा हाइट है। बाकी मुझे दाल पल्सेस वगैरह ना बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं था, बट मेरी तरह गलती आप लोग बिल्कुल मत करना गाइज। पल्सेस वगैरह इजिली अवेलेबल होता है। जो लोग वेजिटेरियंस है उनके लिए पल्सेस एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन वाला फूड है, इज गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, और ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है और आपके ब्लड शुगर को भी मेंटेन रखता है। जिन लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है वो दाल वगैरह ले सकते हैं किसी भी वे में, लंच में, ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में। पल्सेस वगैरह को, राजमा, चना वना जो भी है, ये सब आप अपने डाइट में जरूर से ऐड करें। नेक्स्ट इज अनदर सुपर फूड गाइस, जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और इस सीजन में तो भर भर के अवेलेबल है, विच इज कैरेट। यस, इसके फायदे तो हम कैसे भूल सकते हैं, इसमें भर भर के फायदे हैं। तो कैरेट इज रिच इन बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, विटामिन ए, जो कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि गाजर खा लो ये आंखों के लिए अच्छा होता है। यस, इसमें जो बीटा कैरोटीन होता है ना, ये रिच विटामिन ए, जो आपके आई डिजीज में, आई कैटरेक्ट, जो भी आंखों का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके साथ साथ डायबिटीज में भी आपके ब्लड शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल करता है, आपके स्किन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन लेवल को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट उसके साथ साथ समर का जो इम्पोर्टेंट फूड अनदर वन इज क्यूकुम्बर गाइस। इसमें बहुत ही मात्रा में वाटर रहता है जो आपके बॉडी के हाइड्रेशन के लिए मस्ट है समर में, एंड ये लो इन कैलोरी होता है, हाई अमाउंट ऑफ विटामिन, मिनरल्स सब होता है इसमें। वेट लॉस प्रोसेस में आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है ये, और आपका जो गट हेल्थ है उसको भी अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो क्यूकुम्बर इज मस्ट फॉर समर। नेक्स्ट इज टमाटो गाइस, जिसके बिना तो हम खाना बना ही नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि टमाटर एक ऐसा चीज है जो मुझे अपने लंच, डिनर, कुछ भी बनाने के लिए ना चाहिए ही चाहिए। आप सलाद में भी नॉर्मल इसको खा सकते हो।
तो इसमें ना फाइटोकेमिकल्स होता है जो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है हमारे बॉडी हेयर स्किन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखता है और ये आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट होने से भी सेफ रखता है। जो भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में होता है उसको भी ये मेंटेन रखता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो आप किसी भी वे में इसको खा सकते हो, लगा सकते हो स्किन पे, फेस पे, कोई भी फेस मास्क वगैरह करके। नेक्स्ट इज कैप्सिकम, जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसमें विटामिन सी, ए, फाइबर सब कुछ है और विटामिन ए सी छोड़ के इसमें मिनरल, कॉपर, मैंगनीज, सारा जो आपका पीरियडिक टेबल सब उठ के आ गया है इस एक कैप्सिकम में। तो डेफिनेटली आप इसको इंक्लूड करें। आपके आई डिजीज जो कैटरेक्ट बोलते हैं, इससे भी आपको ये मदद मिलता है। आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी ये अच्छा रखता है और अगर ओंड वगैरह कुछ हो जाए तो उसके हीलिंग के लिए भी ये फूड बहुत ही अच्छा है। तो डेफिनेटली कैप्सिकम को भी आप खाए जरूर से। नेक्स्ट अनदर सुपर फूड इज बीट, जो कि ऐसे कच्चा खाने में मुझे भी थोड़ा सा उतना पसंद नहीं है बाकी वेजिटेबल्स फ्रूट्स के तरह, बट इसको आप स्मूदी के वे में, जूस के वे में आप खा सकते हो, जिससे कि आपको अजीब ना लगे और ये आपके बॉडी में जाए, क्योंकि इसमें होते हैं नाइट्रेट और फोलेट, जिसको बोलते हैं विटामिन B9, जो आपके बॉडी के सेल ग्रोथ और फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। ब्लड वेसल को भी डैमेज करने से ये कंट्रोल करता है और इसमें एंटी ऑक्सीडेंट जो है आपके लीवर को हेल्दीली फंक्शन करने में हेल्प करता है, हार्ट डिजीज होने से आपको बचाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। डेफिनेटली आप अपने सैलड में या फिर कोई भी मील प्रिपरेशन में, जूस में या फिर स्मूदी में आप बीट को ऐड करें। नेक्स्ट इज सिट्रस फ्रूट। गाइस, आप सबको पता होगा कि सिट्रस का नंबर वन किंग है लेमन, ऑरेंजेस, जितना भी खट्टा वाला आपको फ्रूट्स मिलता है ना, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑरेंज, मौसम्बी हो, ऑरेंज हो, वो पामेलो हो या फिर कोई भी लाइम, लेमन, जो भी हो, सब में जो खट्टापन होता है, सिट्रस होता है, वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। रिच इन विटामिन सी, सबसे ज्यादा विटामिन सी सिट्रस फूड में होता है, जो आपके हेल्दी ग्लोइंग स्किन हेयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन है उसको भी इम्प्रूव करता है। ये कंट्रोल करता है आपका डायबिटीज, कैंसर और जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, न्यूरोपैथी एंड और। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, मैं लेमन खाती हूँ, ऑरेंजेस भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट है। नेक्स्ट इज एनी काइंड ऑफ सीजनल फ्रूट, जो की है मैंगो, लीची, पाइनएप्पल, पपाया। समर में आपको जो भी कुछ मिलता है उसको उठा लो और खाओ। कोई भी सीजन के लिए जो सीजनल फ्रूट्स होता है ना, आपके बॉडी के हेल्थ के लिए, हेयर, स्किन, सब कुछ को एक प्रॉपर हेल्दी बैलेंस डाइट के लिए फ्रूट इंक्लूड करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। और समर का किंग तो आपको पता है, मैंगोज तो हर जगह मिलेंगे, तो मैंगोज में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, आपके हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखता है। नेक्स्ट इज अनदर सुपर फूड ऑफ समर इज वाटरमेलन। फ्रूट का बात करें और समर मतलब समर है और फ्रूट के नंबर वन चार्ट पे होगा वाटरमेलन। मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है वाटरमेलन का, सब कुछ हम खा सकते हैं, उसका सीड्स भी इतना बेनिफिशियल होता है ना, मैं क्या बताऊं। इसमें 98% वाटर होता है गाइस, जो आपके बॉडी को हाइड्रेशन देता है। तो जो दो फ्रूट मैं आपको बोलूंगी समर में आपको डेफिनेटली लेना है, वो है वाटरमेलन एंड क्यूकुम्बर। ये दो खाके ना मैं अपना पूरा समर बिता सकती हूँ। आपके वेट लॉस में तो काम आता है डेफिनेटली, और इसके साथ साथ ये आपके डेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और नर्व सिस्टम को भी अच्छा रखता है। नेक्स्ट इज कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर वन ऑफ द फेवरेट है मेरा, हमारे घर पे कोकोनट का पेड़ है, तो जब भी मैं घर पे रहती हूँ ना, मैं दिन में 2-3 ठो तो खा ही लेती हूँ, मुझे इतना ज्यादा पसंद है। आपको डेफिनेटली लेना है, ये आपके हेल्थ को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव करता है, आपके डाइट मेंटेन करने में हेल्प करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, बेस्ट वे ऑफ एनर्जी बूस्टर है। तो वर्कआउट वगैरह आप करते हो, डेफिनेटली आप कोकोनट वाटर लो, डाइजेशन में भी आपको ये हेल्प करेगा और आपके बॉडी के डिटॉक्स के लिए ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट इज कर्ड। गाइस, कर्ड समर में आप डेली खाओ, मतलब इसके बारे में आपको मैं क्या बताऊँ, आप सबको पता ही होगा इसके हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह। ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, इसमें जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है, ये वेट लॉस में हेल्प करता है। कर्ड इज रिच इन कैल्शियम, विटामिन B2, B12, जो कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होता है, जो आपके स्किन को, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, डैंड्रफ को डिक्रीज करता है। आप कर्ड को
खा सकते हो, स्किन पे लगा सकते हो, हेयर पे लगा सकते हो। ये आपके स्किन टेक्सचर से लेके, बॉडी के अंदर का इम्यून सिस्टम से लेके, डाइजेशन से लेके, आपके हेयर तक सब कुछ पे इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट अनदर वन इज छाछ, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बटर मिल्क। यस गाइस, दिस इज द इजिएस्ट डायरी प्रोडक्ट है जिसको आप डाइजेस्ट कर सकते हो और सबसे हेल्दी होता है। मतलब समर के लिए आपके बॉडी के हाइड्रेशन के लिए, वेट लॉस में हेल्प करता है, वेट मेंटेन रखता है और आपका जो ओरल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करता है और बॉडी को एक कूलिंग हाइड्रेटिंग इफेक्ट देता है, स्पेशली समर में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि नंबर 15 पे है, मतलब मैंने आप लोगों को 15 फ्रूट्स फूड्स आइटम ऐसे बताए हैं जो समर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो लास्ट में गाइस, एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा, जो भी आपको पसंद है, आपके बॉडी को मूवमेंट करना जरूरी है। दिन में आप 30 मिनट्स के लिए आप वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, या फिर योगा कर सकते हो, या फिर अपने छत पे जाके कुछ तो कर सकते हो, राइट। इससे आपके ना ओनली फिजिकल हेल्थ गाइस, इससे आपका मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सब कुछ अच्छा रहता है। आप हैप्पी फील करते हो, पॉजिटिव बातें आपके दिमाग में आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आपके दिमाग में आते हैं और इससे आप एक बेटर लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।